क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह एक ऐसा विषय है जिस पर आदिकाल से चर्चा की जा रही है, मगर उसके बाद भी अभी तक किसी तथ्य पर नहीं पहुंचा जा सका है। कई लोग मानते हैं कि इस धरती के सिवा कहीं और जीवन संभव नहीं है, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी की तरह कई पृथ्वी है जिस पर जीवन संभव है। इसी सूची में एक पूर्व अमेरिकी चंद्रयात्री भी है जो इस बात पर पूरा यकीन करते हैं कि अपनी दुनिया के अलावा भी दुनियाएं हैं और इस दुनिया में रहने वाले प्राणी हमसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, और इतना ही नहीं, वे अक्सर पृथ्वी पर भी आते रहते हैं। उनका कहना है कि अमेरिका जैसे देशों की सरकारें इस बारे में जानती हैं, मगर वो तथ्यों को छुपा रही है। तो हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं देवासी शोर। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अमेरिका जैसे देशों पर गंभीर आरोप लगाने वाले भूतपूर्व चंद्रयात्री एडगर मिचेल ने एक साक्षात्कार में यह बात दावे के साथ कही कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। उन्हें अपनी इस बात पर पूर्ण विश्वास है कि मनुष्य जैसे प्राणियों का ब्रह्मांड के किसी अन्य लोक में अस्तित्व है। अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र इसके बारे में जानते हैं, मगर सब कुछ जानने के बाद भी वे तथ्यों को छुपा रहे हैं। बता दें, एडगर वही हैं जो 14 चंद्रयान से 5 फरवरी 1971 को चंद्रमा पर अपने सहयात्रियों एलन शेपर्ड और स्टुअर्ट रूसा के साथ उतरे थे। एडगर ने लगभग 9 घंटे तक अपने सहयात्री एलन शेपर्ड के साथ चंद्रमा पर भ्रमण किया। यह अभी तक चंद्रमा पर विचरण करने का सबसे लंबा रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडगर ऐसा मानते हैं। एरोनॉटिक्स में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त मिचेल विज्ञान के छात्र है। इन्होंने भी कई बार इस ओर इशारा किया है। जुलाई 2008 में एक रेडियो को दिए साक्षात्कार में भी उन्होंने इसी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। उनके अनुसार इत्रलोकीय प्राणी कई बार उड़न तश्तरी में बैठकर पृथ्वी पर आ चुके हैं। वे कई बार मनुष्यों से संपर्क करने की कोशिश भी करते हैं। मिचेल अब 78 वर्ष के हो चुके हैं। इत्रलोकीय प्राणी। उनके अनुसार इत्रलोकीय प्राणी छोटे कद के अजीब से दिखने वाले प्राणी होते हैं। इस बात की जानकारी उन्हें तब मिली जब वे अमेरिकी अंतरिक्ष अधिकरण नासा के लिए काम किया करते थे। उस दौरान इस तरह के एलियन से संपर्क में रह चुके जानकार सूत्र उन्हें इनके बारे में जानकारी दिया करते थे। एलियन की जो छवि बनाई गई है, जैसे कद छोटा, बड़ी आंखें और बड़ा सिर, मिचेल के अनुसार एलियन की यही पारंपरिक मान्यता होती है, वे इससे ज्यादा भिन्न नहीं दिखते होंगे। एडगर मिचेल अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा की सरकार से भी अनुरोध कर चुके हैं कि उड़न तश्तरियों और इत्रलोकीय प्राणियों के बारे में अभी तक जो भी हासिल किया जा चुका है उसे सार्वजनिक कर दिया जाना चाहिए। 21 अप्रैल को टेलीविजन चैनल CNN के साथ बातचीत के दौरान अपनी पुरानी बातों और साक्ष्यों की मद्देनजर उन्होंने यह बात कही। इस कड़ी में मिचेल का 2008 में एओ रेडियो को दिया इंटरव्यू काफी अहम है। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं काफी भाग्यशाली हूं जो मुझे इन एलियन के बारे में जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं यह बात भी यकीन के साथ कह सकता हूं कि यह कई बार हमारे ग्रह पर भी आए हैं। हमारी सरकार इसके बारे में 60 सालों से जानती है, मगर वो इसे दुनिया को बताना नहीं चाहती। मगर किसी न किसी माध्यम से यह जानकारी अब बाहर आ रही है और हम में से कुछ सौभाग्यशाली लोगों को इस बारे में जानने का अवसर मिला है। एडगर मिचेल इस तथ्य से इसलिए भी अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं क्योंकि न्यू मैक्सिको में रॉसवेल नामक जिस स्थान पर वे अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में पले बढ़े हैं, वहां के लोगों में इस बात को लेकर काफी विश्वास है कि 1947 के आसपास वहां एक रहस्यमय उड़न वस्तु अपने यात्रियों के साथ जमीन पर आई थी, मगर जमीन से टकराते ही ध्वस्त हो गई थी। यहां के लोगों ने दुनिया की सबसे महान शक्ति अमेरिका की सेना पर इस घटना पर पर्दा डालने और प्रत्यक्षदर्शियों का मुंह बंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मिचेल अपने उम्र के 70वें पड़ाव में कहते हैं कि एक रॉसवेल का निवासी होने के नाते वे इस घटना को अब अच्छी तरह समझ सकते हैं। स्थानीय लोगों को गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, मगर उसके बावजूद भी सेना और गुप्तचर सेवाओं के लोगों ने उन्हें इतना कुछ बताया है कि वे इस घटना पर बड़ा पर्दा उठाने में लग गए हैं। अमेरिकी सरकार इसके बारे में अपना पक्ष रखेंगे या नहीं यह तो नहीं कह सकते, मगर सुनने में आया है कि आने वाले वक्त में ब्रिटिश सरकार उड़न तश्तरियों से संबंधित एकत्रित किए अवलोकनों और प्रत्यक्षदर्शी बयानों वाली कोई चुनी हुई फाइल सार्वजनिक करने का निर्णय किया है। इस तरह की 200 फाइलों को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया गया है। इनमें से 90% मामले ऐसे हैं जिन्हें आसानी से रफादफा नहीं किया जा सकता, मगर 10% फाइलें ऐसी हैं जिन्हें सुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मगर इस तथ्य को भी नकारा नहीं जा सकता कि पृथ्वी के अलावा भी कहीं जीवन है और वे उड़न तश्तरियां के सहारे पृथ्वी पर आए हैं, तो इसका अर्थ यही है कि पृथ्वी के अलावा भी कहीं बुद्धिमान प्राणधारियों का अस्तित्व है। हालांकि अभी तक भू और अंतरिक्ष आधारित शोधकर्ताओं को ऐसे किसी अस्तित्व का रत्ती भर भी कोई संकेत नहीं मिला है। मगर यहाँ यह समझना भी बेहद जरूरी है कि पृथ्वी के निकटतम बाह्य ग्रहों की दूरियां सैकड़ों हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। ऐसी स्थिति में वैज्ञानिकों के लिए यह समझना बेहद कठिन हो जाता है कि क्या पृथ्वी के अलावा भी कहीं ऐसे बुद्धिमान प्राणी हैं भी या नहीं। एक ऐसे प्राणी जो प्रकाश की गति से यात्रा कर सकते हैं और हजारों लाखों प्रकाश वर्ष की दूरियां एक ही जीवन काल में पूरी कर पृथ्वी पर भी पहुंच सकते हैं। शोध किए जाते रहेंगे जिनके अनेक निष्कर्ष निकलेंगे। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के संग शेयर करो। मैं मिलूंगा अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।